गाइज, अगर आपके पास रियलमी C30S मोबाइल है, यानी कि रियलमी C30S मोबाइल है, और आप उसमें फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं, तो फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाएंगे तो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिक्योरिटी, तो आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। उसके बाद फिंगरप्रिंट पर जाएंगे तो यहाँ पर आप तीन ऑप्शन मिलेंगे, तो इन तीनों में से किसी एक पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं पैटर्न प्लस फिंगरप्रिंट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद एक पैटर्न बना लीजिए अपने लिए, और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। फिर से वही पैटर्न कंफर्म कर दीजिए और कंफर्म पे क्लिक करिए। इतना करने के बाद गाइस ध्यान से देखना, आपको डन करना है। डन करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, और अब आपको यहाँ पर फिंगर को स्कैन करवाना है। जो आपके बटन पर फिंगर दिया गया है उस पर आपको स्कैन करवा लीजिए। तो गाइस यहाँ पर मैं अपने बटन को फिंगर स्कैन करवा ले रहा हूँ, आपको भी इस तरीके से स्कैन करवाना है। क्योंकि गाइज ये स्कैन करवाना इसलिए ज़रूरी है बार बार, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप स्कैन करवाओगे उतना ही अच्छे तरीके से आपका लॉक ओपन होगा। इसलिए यहाँ पर घुमा घुमा करके आपको स्कैन करवाना है। उसके बाद डन करना है। डन करने के बाद गाइज आपका फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए लॉक लगा हुआ है, और फिंगर लगाते ही ये ऑन हो जाएगा। तो देखिए ऑन हो गया। तो इस तरीके से गाइज आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं।